और आपको ये भी बता दें कि जल्द ही चिट्ठी, पथरी, स्पीड पोस्ट और पार्सल जैसी सेवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। पोस्टल विभाग 15 साल के बाद इन सेवाओं की नई दरें लागू करने की तैयारी कर रहा है और साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद भी पोस्टल सेवाएं लोगों की जेब पर भारी पड़ेंगी। इस रिपोर्ट में देखिए, पोस्टल विभाग के जरिए पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर, प्रिंटेड पोस्टकार्ड, पार्सल भेजना जल्द ही महंगा हो सकता है। पोस्टल विभाग ने इनकी दरों में आखिरी बढ़ोतरी 2002 में की थी, लेकिन इसके बाद इनकी प्रिंटिंग के खर्च में 250% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी तक इनके दाम रिवाइज नहीं हो सके हैं। पोस्टल विभाग को पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर, प्रिंटेड पोस्टकार्ड, पार्सल जैसी सर्विसेज से करीब 1400 करोड़ रुपए की आय होती है। अब विभाग इनकी दरों में 20-30% की बढ़ोतरी करेगा। इसके बाद इनसे 2000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। फिलहाल पोस्टल विभाग को सालाना 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। फिलहाल एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे में बिकता है, इसकी कीमत बढ़कर 2 रुपए हो सकती है। वहीं 2.5 रुपए वाले इनलैंड लेटर की कीमत 9 रुपए हो सकती है। 6 रुपए के प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की कीमत बढ़कर 9 रुपए हो सकती है। 500 ग्राम का पार्सल भेजने के लिए 19 रुपए लगते हैं, जो बढ़कर 30 रुपए हो सकते हैं। इसी तरह स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, पोस्टल इंश्योरेंस और ई कॉमर्स पैकेज भेजने पर 15% सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी के बाद इन सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा, यानी 20 रुपए वाली सर्विस पर फिलहाल करीब 3 रुपए टैक्स लगता है, जो जीएसटी के बाद बढ़कर करीब 3.60 रुपए हो जाएगा। इससे पहले पोस्टल सेवाओं की दरें बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल के जरिए इसमें बदलाव करते हुए मंत्रालय को दरें बढ़ाने का अधिकार दे दिया। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने दरें बढ़ाने को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।